गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट सिविल सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। और हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में लेक्चर पिछले वीडियो में स्टूडेंट 1.5 आपको मैंने लेक्चर करा चुका हूँ। अब ये जो लेक्चर होगा स्टूडेंट ये 1.6 होगा, ठीक है। 1.6 मतलब स्टूडेंट कि यूनिट फर्स्ट का ये 6 नंबर की वीडियो है आपकी, ठीक है। तो हम स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पे चर्चा कर रहे थे, तो उसमें स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड मुख्यतः हम किसके आधार पर बांटे थे स्टूडेंट। पहला हम बताए थे कि एरिया के अनुसार, यातायात के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, दूसरा यातायात के अनुसार, और तीसरा स्टूडेंट हम बताए थे भार के अनुसार, और चौथा बताए थे ऊपरी सतह के अनुसार। तो स्टूडेंट हम पिछले वीडियो में पहले और दूसरे पे हमने चर्चा कर दिया था, ठीक है। तो अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। पिछले वीडियो में थोड़ा सा रिकैप हम कर दे रहे ताकि आप माइंड में बना रहे कि मैंने ये बताया था कि ट्रैफिक क्लासिफिकेशन, ये इस पर मैंने आपको चर्चा किया था, ट्रैफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रैफिक क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था स्टूडेंट क्या क्या बताया था, लाइट कैसे हम हल्के यातायात कैसे पहचानेंगे, मीडियम में हम कैसे हम पहचानेंगे स्टूडेंट, ठीक है, मीडियम में कैसे पहचानेंगे, और भारी में, हैवी में कैसे पहचानेंगे, और वेरी हैवी में कैसे पहचानेंगे। मतलब ये हल्के यातायात कब हम पहचानेंगे, मध्यम कब पहचानेंगे, कब हम कहेंगे मध्यम यातायात वाली रोड है, और भारी यातायात वाली, और क्या स्टूडेंट अधिक भारी यातायात वाली। हमने आपको बताया था क्या हल्के में स्टूडेंट बताया था कि 75 वाहन अगर पर डे चल रहे हो, 75 वाहन प्रतिदिन चल रहे हैं, मतलब किसी भी रोड पर अगर स्टूडेंट प्रतिदिन 75 वाहन चल रहे हैं तो वो हल्के यातायात वाली रोड के अंतर्गत आएगी, ठीक है। मध्यम मैंने बताया था 75 से 250 बताया था। इसमें स्टूडेंट 250 से मैंने 1000 बताया था, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 250 से 1000, और कुछ बुकों में आपको 250 1000 दे रखा है, कुछ बुकों में आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट 600 भी दे रखा है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो 250 600, और यहाँ पे कुछ बुकों में क्या दे रखा है स्टूडेंट 600 से 1000, ठीक है, और कुछ में दे रखा है 1000 से अधिक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में इतना बना रहना चाहिए 75 वहाँ से प्रतिदिन, 75 से 250, 250 से 600, और 600 से स्टूडेंट 1000 वाहन जो है पर डे अगर चलते हैं तो वो यातायात के अनुसार हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि हल्का है, मध्यम है, भारी है, कौन सा, या बहुत अधिक भारी है स्टूडेंट, ठीक है, अधिक भारी होगा, तो इसके अनुसार हमने पहचान करवाया था स्टूडेंट, ठीक है। आगे हम स्टूडेंट क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम स्टूडेंट नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि कैसे, तीसरा इसका क्लासिफिकेशन क्या था स्टूडेंट, तीसरा क्लासिफिकेशन था लोड अकॉर्डिंग टू लोड क्लासिफिकेशन, मतलब लोड क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब स्टूडेंट कि भार वर्गीकरण, मतलब स्टूडेंट हम रोड का क्लासिफिकेशन उस रोड पर आने वाले भार के आधार पर उस रोड का वर्गीकरण करेंगे। तो इसलिए ये जो है स्टूडेंट लोड क्लासिफिकेशन मतलब भार वर्गीकरण, समझ गए, मतलब जो रोड है उस रोड पे सड़क पर जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी के लोड के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जो है ये सड़कों के अंतर्गत आएगी। जैसे देखिए हल्की सड़कें कब होंगी,
हल्की सड़कें, हल्की सड़कें हम कब कहेंगे कि ये हल्की सड़कें हैं, हल्की सड़कें हैं, ठीक है। और मध्यम सड़कें, मध्यम मध्यम सड़कें, मध्यम सड़कें, ठीक है स्टूडेंट। और भारी सड़कें, भारी सड़कें, भारी सड़कें, ठीक। और बहुत अधिक भारी सड़क, क्या स्टूडेंट, बहुत अधिक भारी सड़क, बहुत अधिक भारी, बहुत अधिक भारी सड़कें, ठीक है स्टूडेंट। हैवी रोड्स, मीडियम रोड्स, मीडियम रोड्स, हैवी रोड्स, वेरी हैवी लोड्स रोड, ठीक है। मतलब स्टूडेंट अब हम उस रोड पर जो वाहन चल रहे हैं वह वाहन जो रोड पर चल रहे हैं, जितने नंबर वाहन चल रहे हैं, तो उसके गाड़ी हम तय कर लेंगे कि उस गाड़ी का लोड कितना है, ठीक है। तो अब जितने नंबर ऑफ व्हीकल चल रहे हैं, जितने वाहन चल रहे होंगे पर डे, उनका हम आकलन करेंगे कि ये रोड जो है प्रतिदिन कितना लोड वियर कर रही है, कितना लोड सहन कर रही है, ठीक है। तो उस आने वाले लोड, रोड पे आने वाले लोड के आधार पे, रोड पर आने वाले लोड भार के आधार पे हम सड़कों का वर्गीकरण करते हैं। अब हम कब कहेंगे कि हल्की सड़कें हैं, ठीक है स्टूडेंट, कब कहेंगे कि ये हल्की सड़कें हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, जब हल्की सड़कें होंगी, अगर 250 स्टूडेंट 250 टन, क्लियर करिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 250 टन अगर पर डे, 250 टन पर डे जो है अगर उस रोड पर भार किसका आ रहा है, अगर वाहन का भार स्टूडेंट आ रहा है तो वो हल्की सड़कें कहलाती हैं। 250 से 500 टन लगभग ये मान चलिए स्टूडेंट, 250 से 500 टन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये आपका कहलाती है क्या, हल्की सड़कें कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है, जो अगर स्टैंडर्ड जो मानक तैयार किया गया है, अगर उसके आधार पर हम स्टूडेंट देखें, तो जो रेंज रखा गया है पर डे के हिसाब से 500 टन, कितना स्टूडेंट, 500 टन, 500 टन भार तक अगर हम बात करें तो ये हल्की सड़कें कहेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कितना कहेंगे, 500 टन करिए, 500 टन, 500 टन, 500 टन तक भार, 500 टन तक भार अगर उस रोड पर आ रहा है, 500 टन तक का भार, ठीक है, अगर उस रोड पर आ रहा है पर डे, तो वो सड़क हो जाएगी स्टूडेंट कौन सी, हल्की सड़क हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, हल्की सड़क हो जाएगी, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। तो 500 टन तक अगर भार आ रहा है तो वो हल्की सड़कें हो जाएंगी उस रोड पे अगर आ रहा है। अगर जिस सड़क पे 500 से 1000, 500 से 1000 टन तक भार
भार अगर आ रहा है, मतलब वह रोड जो है 500 से लेकर 1000 टन तक भार वहन कर ले रही है तो वो मध्यम सड़कें कहलाएगी। और स्टूडेंट 1000 टन से ऊपर, मतलब मान चलिए कि 1001 कर लीजिए, 1001 से लगभग 1500, ठीक है 1500 टन तक अगर भार आ रहा है तो वो सड़क भारी सड़क कहलाएगी। अब जो बहुत अधिक भारी सड़कें क्या कहलाएगी, वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1500 टन से ज़्यादा, ठीक है ना, 1000 से 1500 किस श्रेणी में हो गया। अब ये 1500 टन से अगर ज़्यादा जो भार वाली रोड ले रही है, अगर 1500 टन से ज़्यादा लोड सड़क ले रही है तो वो सड़क जो कहलाएगी बहुत अधिक भारी सड़कें कहलाती हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये आई थिंक आपको पता हो गया होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट ऊपरी सतह के अनुसार क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऊपरी सतहों के आधार पे क्लासिफिकेशन या टॉप कोट क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, मतलब ऊपरी सतहों के आधार पर, सतहों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो सामान्य क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है उसमें ये लास्ट पॉइंट है आपका, पहला आपको मैंने बता दिया क्या, क्षेत्र के अनुसार, दूसरा यातायात के अनुसार, और तीसरा लोड के अनुसार, और चौथा और लास्ट ये है स्टूडेंट कि ऊपरी सतहों के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, ऊपरी सतहों के आधार पर वर्गीकरण स्टूडेंट हम निम्न प्रकार से करते हैं। पहला स्टूडेंट कि जो सड़कें हैं वो कंकर, बजरी, मुरम की सड़कें हो सकती हैं। कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट, कंकर बजरी अथवा मुरम की सड़कें हो सकती हैं, मुरम सड़कें, ठीक है। ऊपरी सतहों मतलब टॉप कोट के आधार पर सतहों का वर्गीकरण कंकर, बजरी, मुरम सड़कें, एक हो गया स्टूडेंट, एक आधार ही हो गया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं स्टूडेंट WBM, स्टूडेंट जलबद्ध मैकडम हिंदी में बोलते हैं इसको, WBM आप कह सकते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम कह सकते हैं, ठीक है, जलबद्ध मैकडम सड़क, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है दूसरा, ये हो गया स्टूडेंट। तीसरा स्टूडेंट हम कह सकते हैं बिटुमिनस रोड या ब्लैक टॉप रोड, काली सतह जो आप देखते हैं स्टूडेंट, कौन सी, बिटुमन सड़कें या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक टॉप रोड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट है आपका सीमेंट कंक्रीट सड़क, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट सड़क या सड़कें, ठीक है, सीसी रोड आप जिसे बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट सड़कें। तो स्टूडेंट टॉप कोट के आधार पर जो सड़कों का वर्गीकरण है ये मैंने आपको बताया कि चार प्रकार की होती हैं, कंकर, बजरी, मुरम की सड़कें,
WBM जलबद्ध मैकेडम सड़क, बिटुमन सड़क और सीमेंट कंक्रीट सड़क है स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें जो आपका ये है कंकर, WBM और आपका बिटुमन सड़क, ये स्टूडेंट आती है फ्लेक्सिबल रोड के अंतर्गत आती है या फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंतर्गत कौन से है? फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंतर्गत आती है। और जो सीमेंट कंक्रीट है स्टूडेंट, वो रिगिड, ठीक है, पेमेंट के अंतर्गत आती है। ये सड़क किसके अंतर्गत आती है स्टूडेंट? रिगिड पेमेंट्स के अंतर्गत आती है। मतलब स्टूडेंट, रिगिड मतलब दृढ़ सड़कों के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में पूरा हमने आपसे चर्चा कर लिया विस्तार से स्टूडेंट। ठीक है, तो सारे टाइप से स्टूडेंट जितने भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर क्लासिफिकेशन आपका पूरा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे ढंग से स्टूडेंट, बराबर आपको वीडियो बोर्ड में पूछता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे हाईवे इंजीनियरिंग के साथ स्टूडेंट। धन्यवाद।